गाजीपुर में एक भावुक या यूं कहें कि एक रुला देने वाला वाकया सामने आया है। जिले के जखनिया क्षेत्र के एक शख्स का शव काफी मशक्कत के बाद 1 महीने बाद अपनी मातृभूमि पर पहुंचा। इस शख्स की मौत दुबई में हो गई थी। दर दर भटक रहे परिवार की जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने शोक की इस घड़ी में उनका हाथ थामा। आइए विस्तार से आपको इस मामले की जानकारी देते हैं। जखनिया तहसील के रामबन गांव के हरिनाथ पुत्र बैजनाथ चौहान दुबई कमाने गए थे। वहां 30 अप्रैल को अकस्मात उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर चौहान परिवार पर मानो वज्रपात ही हो गया। लेकिन दुख यही खत्म नहीं हुआ। लॉकडाउन की वजह से हरिनाथ का शव भी दुबई में ही फंस गया। अंतिम क्रियाकर्म के लिए मृतक के परिजनों ने 9 मई को डीएम को पत्र लिखकर गुहार लगाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब मृतक के पुत्र ने भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष प्रमोद वर्मा एवं मंडल अध्यक्ष उमाशंकर यादव से इस विषय की जानकारी दी। प्रमोद वर्मा ने भाजपा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को इस पूरे मामले की जानकारी दी। मनोज सिन्हा अपने स्तर से तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने परिजनों के दुख को समझते हुए परिवार से बात की और सारे जरूरी कागजात मंगवाए। इसके बाद संबंधित मंत्रालय से संपर्क साध मृतक के शव को बुलाने के इंतजाम में जुट गए। इसी का नतीजा रहा कि शनिवार की शाम हरिनाथ चौहान का शव उनके घर पहुंच गया। उनके परिजनों और पुत्र धर्मेंद्र कुशवाहा ने मनोज सिन्हा के साथ सारे मददगारों का आभार प्रकट किया। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा, जब भी ऐसी दुखद घटनाएं सामने आई हैं, मनोज सिन्हा जी ने हमेशा मानवता का परिचय दिया है। इसके पूर्व जब वह सांसद थे तो एक बार बहरियाबाद का भी मामला आया था, जिसका निदान उन्होंने ऐसे ही करवाया था। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।